मेरे बड़े बेटे वो पागल हो गया, अभी कभी दरवाजा तोड़ देते तो हम इसका पैसा कैसा भरेंगे। आपका बेटा है यहाँ पे है? वो बुरा भला बोलता है। नशा नशा तो नहीं करता? नशे में तो नहीं पड़ गया? मैं तो चाहता हूँ कि आज से उसको किसी के हवाला कर देते तो हमारे नुकसान से हम बच जाते थे। किसी को अगर पत्थर मारे हम उसमें कैसे दवा डाल सकते? हम तो खाने के बजे हुए फंसे हुए, हम उसका नुकसान कैसे भरेंगे? एक टाइम के खा सकते, दूसरे नहीं खा सकते। करे हम मकान के हम लोग फंसा पा, हमको कैसा फिर रिश्ता मिला दे जो हमारे दुख सुख को सुन ले। या परवरदिगार हमें कोई इसमें से निकाले, कोई बच्चे की वजह से घर देता भी नहीं है कि तुम्हारे इतने बच्चे हम करें कहाँ से मकान देंगे। हमें घर से निकाल दिया जाता है। तो ये बाकी आपके पैसे अपना के हाथ में। हम सुबह शाम हम बच्चे की तकलीफ में, हम चाहते कोई इसको सही करे। दो 3,000 तक वो कायदाबाद बच्चे को लेके गया पागल खाने में, वो जो दिमाग का इलाज करते हैं वहाँ से भी आया तो वही का वही है, सही नहीं हुआ। जो खाने का राशन था वो पैसा था जुगाड़ करके 2-3,000 रुपया, वो उसमें गाड़ी के किराए पर लगा दिया उसके इलाज के लिए। अभी हम पे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा और इनके गले का ऑपरेशन भी है। इतना बड़ा निकला हुआ किस हॉस्पिटल पे जाए? कहीं जाए तो कहेगा सुई ला के आओ, सुई के पैसा नहीं है हमारे पास, हम सुई कहाँ से देंगे? कहेंगे जिन्ना पे जाओ, कुछ भी नहीं देते वो, तो बाहर भेज देंगे कुछ स्त्री लेंगे आओ। स्त्री के पैसा नहीं है, घर का किराया नहीं है हमारे पास जाने का, वहाँ गाड़ी किराया तो चाहिए होगी, अब गाड़ी किराया तक नहीं है। बाहर के लोग कहते भाई फलाना हॉस्पिटल में चला जाओ अच्छे रहेंगे, अगर हमारे पास पैसा होंगे तो हम जाएंगे ना दिखा देने वाले, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े दुकानें दिखा देते हैं, मगर हमारे पास है नहीं इतना। तो आज हम पाटे बूटे रहते हैं, हमारे छोटी छोटी बेटी है, 3 घर में बैठा हुआ है, ये बेटियां हैं ना, जवान बेटी है, आपके बराबर है। आप भाई आपके ये इस मोहल्ले का नाम क्या है? अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो उनको पता होना चाहिए। पहले एक बच्चा गोट इब्राहिम हैदरी। इब्राहिम हैदरी, पहले एक बच्चा गोट। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अच्छा, मैं अब तमाम आई एम स्पीचलेस, मुझसे ज़्यादा इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि मैं जब से इनके पास आके बैठी हूँ तो इनकी अपनी इतनी सारी बातें, इतने सारे मसले मसाइल हैं। बिल्कुल आप ऊपर जाके भी देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मुझे भाई आपकी बात, मुझे डर लगता है कि ये छत कब गिर जाएंगे। कार के ही बाबा आते तो हम कभी नीचे आते कभी ऊपर जाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो ये दीवार वगैरह गिर के सब बच्चे इसके दबा के तले आ जाए। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इन्हें देख रहे हैं, इन्होंने आपको अपना एड्रेस बताया है, भाई अपना नाम दोबारा बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मोहम्मद अनवर, इन्होंने कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे बस किसी फरिश्ते का इंतजार है कि जो आके हमारी जिंदगी बदल दे। ये बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में, मैंने इतने प्रोग्राम किए, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं रही, मेरा दिल बहुत मजबूत है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती रहती हूँ अपनी आम फॉर्म लाइफ में, लेकिन मैंने ऐसे मजबूर इंसान नहीं देखे। आप प्लीज इनकी मदद करें, आप जितनी कर सकते हैं। मैं तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा रहा आप इस मोहल्ले को देखें, इन लोगों को देखें, इनके हालात को देखें, इन लोगों के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये ऐसी रहते मियाँ बीवी बेटे की वजह से बहुत परेशान भी हैं, अपने इलाज कराने के भी इन लोगों के पास पैसे नहीं है, बेटियाँ उनकी छोटी छोटी, उनके भी आंखों में आंसू है। आप इनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप करें, इनके घर में बिजली पानी खाना पीना हर तरह का मसला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना इनके लिए कर सकते हैं आप करें। घर में पानी भी नहीं है, पैसा नहीं दे सकता, घर के पानी भी नहीं है। बच्चा अगर पेशाब करने जाए तो किसी से मांगे तो एक डब्बा एक बोतल से ज्यादा। भाई ये आपके लिए
प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से 10,000 रुपए कैश है। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो, अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे और अल्लाह ताला आप लोगों के हालात बेहतर करे। आप आगे जाके मूवी बनाने पर जाके घर का मूवी बना लो तो अच्छी बात होगी, और भी सब अपने आंखों से देख लेंगे आप अपनी नजर से, क्योंकि मैं आगे झूठे है तो सच पकड़े जाएंगे। उन्होंने मुझसे पैसा मांगा था और भाई ऑपरेशन वाले ने, भाई आपके लिए जो है ना प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से राशन भी है। अल्लाह ताला आपका रमजान बहुत अच्छे से गुजारे और अल्लाह ताला आपका गायबाना वसीला बनाए और आपको कभी किसी चीज की, मेरी बहन को, आप लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। मेरे दिल से दुआ आप मत करो, या अल्लाह पाक आपको मदद करेगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। आपके जैसे मेरे पास भी बेटी है, दो तीन जवान बेटी है, ये मोहल्ले वाले भी सुन रहा है, अगर मैं झूठा है तो मुझे मत दीजिए। नहीं नहीं, हम जानते हैं, हम बकायदा घर पे बैठी है, जवान बैठी, मेरी कैसे हालात चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। मैंने आपको बताया कि आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से ये राशन भी है घर का महीने का, आप अच्छे से खाना बनाना इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी और बहुत अच्छे हालात में मुलाकात होगी। मैं अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज प्लीज इनके लिए कुछ करें, आपका ये फर्ज बनता है, ये भी तो लोग हैं, इंसान है, मुझसे नहीं देखा जाता इतनी तकलीफ है किसी को। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए, मैं कोई आपसे फंड्स नहीं मांगी, मैंने कुछ ना कोई ऐसे यहाँ पे टिकट चल रहे हैं कि आप फंड्स दें, आप खुद इस इलाके में पहुंचे हैं। भाई आपने क्या बताया था इलाके का? और आप अपना दोबारा नाम बताएं? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर भाई के घर पे आप खुद आए, इस इलाके में आप आए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्विंग है, आप इंडिपेंडेंटली जितनी की हेल्प कर सकते हो करें, और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बिजली पानी और इनका खर्चा एजुकेशन इतने जो कर सकते हैं करें। थैंक यू।